खजुराहो में 50वें नृत्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 1484 कथक नृत्य साधकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इतिहास रच दिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने खजुराहो नगर परिषद को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 50वें नृत्य समारोह में सीएम मोहन यादव ने खजुराहो नृत्य समारोह के विभिन्न पहलुओं पर आधारित पुस्तक सोपान एवं कॉफी टेबल बुक बुंदेलखंड का लोकार्पण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने जन प्रतिनिधियों के साथ समारोह में शामिल होकर कथक नृत्य साधकों द्वारा हाथों में दीपक लेकर बसंत की लय पर दी गई प्रस्तुति को देख मंत्रमुग्ध होकर काफी प्रशंसा की। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर मनाया जा रहा है, जो साधना का मार्ग है। वहीं 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इतिहास रच दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खजुराहो वासियों को नई सौगात दी। उन्होंने खजुराहो नगर परिषद को लेकर जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका बनाने, एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में मौजूद वीडी शर्मा ने खजुराहो को अध्यात्म और कला की धरती कहा। सरकार के माध्यम से आज ये खजुराहो में एक नया रिकॉर्ड बना। कथक नृत्य के 1500 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी साधना के बलबूते पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड हमारे को अपनी नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की, लोक नृत्य की एक लंबी परंपरा पर विश्वास के लिए एक तरह से प्रतीक बन के आया और हमारे लिए गौरव करने की बात है। 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है खजुराहो महोत्सव का। ऐसे में मेरे साथ माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है, हमने सब ने मिलकर के पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। खजुराहो में एक साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2-3 सौगातें दी गई है। एक तो गुरुकुल की घोषणा की गई है, एक तरह से ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें सभी प्रकार की कलाओं को सिखाने के लिए गायन, वादन, शिल्प, डांस सभी प्रकार की विधाओं में दक्ष करेंगे। इसी के साथ साथ शिल्प ग्राम भी बनाए, जो हमारी आदिवासी रहन सहन की जो पद्धतियाँ हैं, गाँव के अंदर के मकानों की जो कलाकारी है, और उसी प्रकार से ट्राइबल की कई सारी चीज़ों को सबके लाने का प्रयास किया है। मैं मान के चलता हूँ खजुराहो वैसे भी टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है, ऐसे में वहाँ की संस्कृति को समझने का ये और अच्छा केंद्र बने। साथ ही साथ यहाँ पर नगर पालिका बनाने की घोषणा भी मेरे द्वारा की गई, एक एलोपैथिक हॉस्पिटल भी और एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी। उम्मीद कर रहे हैं कि खजुराहो के लिए जो जो विकास की और कैसी संभावना रहेगी, उन सबके माध्यम से खजुराहो का और विकास करेंगे। खजुराहो का नहीं करेंगे, बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश का करेंगे। बहुत जल्दी केन बेतवा नदी की भूमि पूजन की घोषणा होने वाली, जिससे क्षेत्र के अंदर एक नया दौर का नया इतिहास लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। मैं आपको इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल ऐसा जो एलोपैथी के दृष्टि से भी यहाँ आने वाले विश्व पर्यटकों के लिए हमको सुविधा दे सके, इसका एक प्रावधान अगर आप यहाँ करेंगे तो यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और कॉलेज तो आपने खोले ही है, लेकिन एक यहाँ पर इस प्रकार का हॉस्पिटल भी, चाहे भले ही वो कम बेड का बने, लेकिन एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा तो हमें इसका एक बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन ये नगर परिषद लगातार वर्षों से चला आ रहा है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षेत्र के विकास के लिए अगर आप इसे नगर पालिका बनाएंगे तो इस क्षेत्र के विकास को और 4 चांद लगेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इसी अनुरोध के साथ, जो आपने कई प्रकार की चीजें खजुराहो को दी है, हम आपके नेतृत्व में इस खजुराहो को विश्व पटल पर और इस खजुराहो के टूरिज्म को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व और खजुराहो एक सर्किट बनाए, और पिछली बार के समय में दुनिया के पर्यटक मध्य प्रदेश के अंदर पहले स्थान पर कई उन्होंने चूज किया है, तो वो पन्ना का टाइगर रिजर्व, तो खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये दोनों चीजें मिलकर के एक हब बनता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, इस दिशा में आपके प्रयासों से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा इसी अनुरोध के साथ आज आप खजुराहो पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।